हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज भी काम वाली दीदी नहीं आई है और मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा, तो मैं कुछ आधे बर्तन तो माँज ली हूँ और आधे बर्तन रखा हुआ है। एक बार ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट होने लगा था ब्रेकफास्ट बनाने में, तो इसीलिए पहले ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, उसके बाद जो बर्तन निकलेंगे वो सारे एक साथ लेके माँज लूँगी। तो चलिए ब्रेकफास्ट में आज मैं क्या बना रही हूँ ये भी बता देती हूँ। आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ सेवई का पुलाव। तो ये रहा, ये है सेवई। तो जिस तरह से हम लोग इसको चाउमीन को उबालते हैं ना, उसी तरह से मैं सेवई को भी ऐसे थोड़े से बॉईल कर लूँगी। तो ये है सेवई, और सेवई में मैं क्या क्या डाल रही हूँ वेजी में वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू लिया है, आलू को मैं ऐसे लंबे लंबे काट ली हूँ, तो आप चाहो तो आलू को स्किप भी कर सकते हो। तो आलू मुझे पसंद है इसीलिए मैं आलू डाल रही हूँ, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो आलू को। और यहाँ पे मैं वेजी में ले रही हूँ गाजर है, बीन्स है, शिमला मिर्ची है और प्याज है, और यहाँ पे तीन हरी मिर्ची है। तो ये सारे मैं जैसे चाउमीन में हम लोग फ्राई कर लेते हैं, वैसे मैं इसको तेल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो ये है आज का ब्रेकफास्ट, दिखा देती हूँ कि इसको मैं कैसे बना रही हूँ। तो चलिए पहले सेवई को बॉईल करने चला देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी को बॉईल करना चला दिया है, और पानी में नमक और रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ ताकि ये जितना जो सेवई हैं ये एक दूसरे के साथ चिपकेगा नहीं ऑयल डालने से, तो इसीलिए मैं इसमें ऑयल डाल दी। और यहाँ मैं साइड में कढ़ाई में भी ऑयल डाल दी क्योंकि सब्ज़ी भी मैं साथ ही साथ बना लूँगी, जल्दी ब्रेकफास्ट बन जाएगा इसीलिए। तो यहाँ पर मैं आलू डाल दी तेल गर्म होने के बाद। मैं प्याज बाद में डालूँगी क्योंकि प्याज पहले डालने से आलू के साथ वो प्याज जल जाते हैं, तो इसीलिए प्याज को आलू आधा पकने के बाद मैं प्याज डालूंगी। और यहाँ पे अभी देखिए पानी है बॉयल, हाफ बॉयल हो गया है, तो मैं इसमें सेवई डाल दूंगी। तो एक बॉयल आने तक सेवई को मैं ये पकाऊंगी और उसके बाद मैं सेवई उतार दूंगी। उतारने के बाद सेवई में अच्छे से ठंडे पानी देके सेवई को धो लूँगी और ठंडे पानी में थोड़ा देर भिगो के रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरा आलू भी हाफ पक चुका है, तो यहाँ पे मैं जितना भी सारे वेजीज काट के रखी थी वो सारे वेजीज को डाल दूँगी, और थोड़ा देर बाद फिर हरी मिर्ची को भी मैं डाल दूँगी। हरी मिर्ची मैं काटी नहीं है इसलिए मैं हरी मिर्ची को नहीं डाली हूँ, तो इसलिए मैं बाद में डाल दूँगी उसको। और इसमें मैं नमक भी साथ ही साथ डाल दूँगी ताकि सारी सब्ज़ी अच्छे से पक जाए, और मैं सारी सब्ज़ी को ढक दूँगी एक बार के लिए। और 5 मिनट बाद फिर मैं ये लीड को उठा लूँगी और उठा के अच्छे से सब्ज़ी को एक बार हिला लूँगी, और एक बार आलू भी चेक कर लूँगी क्योंकि बाकी का सब्ज़ी आधे सीजेंगे तो भी अच्छे लगते हैं, बट आलू पूरा सीजना चाहिए तभी खाने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मेरा आलू अच्छे से पूरा सीज गया है, और उसके बाद मैं इसमें टोमेटो सॉस डाल दे रही हूँ और ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ। उसके बाद मैं अच्छे से इसको हिला लूँगी ताकि सब मिक्स हो जाए, और ब्लैक पेपर, उसके बाद मैं ब्लैक पेपर डालूँगी और ब्लैक सॉल्ट डालूँगी इसके बाद। तो ये ब्लैक सॉल्ट भी डाल दिया मैंने, और अच्छे से सब्ज़ी को पका लूँगी ताकि ये जितना भी सॉस और बाकी का जो मैंने स्पाइस मतलब ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर दिया वो सब इसके साथ मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पे सारे वो सेवई को डाल दूँगी। डालने के बाद देखिए मेरे सेवई एक से कित सब अलग अलग है, एक के साथ एक मतलब एकदम भी नहीं लगा है, और देखिए बन गया मेरा सेवई। तो इसको थोड़ा सा देर के लिए मतलब 2-1 सेकंड के लिए मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी क्योंकि इसका सारा जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा सेवई में चला जाए। तो इसको थोड़ा देर के लिए ढक दूंगी, और ये कैसा बना है जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी, तो अच्छा लग रहा है ना, आप लोग भी घर पे ट्राई करिएगा जरूर। चलिए दे आती हूं इसके अंदर खाने के लिए। सो हेलो गाइस, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। कल मैं और वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि जब नाश्ता वास्ता बना लेती उसके बाद और मुझे कुछ मन ही नहीं कर रहा था। पता नहीं कल क्या हुआ था कि मुझे और कुछ काम वगैरह करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं और वीडियो नहीं निकाली थी। बट सुबह जो वीडियो निकाली थी वो तो आप लोगों के साथ शेयर करना ही था, तो इसीलिए मैं आज के वीडियो में वो सारे वीडियो को मर्ज कर दी हूँ। तो वो पहले के वीडियो थे और ये है मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं सुबह का 6 बज रहा है और मैं सुबह 6 बजे सब्ज़ी काट रही हूँ। क्यों काट रही ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आज जैसे सैटरडे है तो आसुकेंदु जाएगा वैक्सीन लेने के लिए, आज उसका वैक्सीन का डेट है, तो इसीलिए वो मॉर्निंग में ही चला जाएगा। उसको आने में भी टाइम लगेगा, ऑफिस में भी 2-4 काम और है क्योंकि वो अपने ऑफिस से ही ले रहे हैं, तो इसीलिए ऑफिस में भी 2-4 काम और भी है जो एक ही बार में करके आएंगे। तो इसीलिए वो सुबह वो बोले 7:30-8 बजे के करीब निकलेंगे, तो इसीलिए मैं सुबह उठ के नाश्ता बना दे रही क्योंकि अभी बाहर का खाना एकदम भी सही नहीं है। तो जो भी है वहाँ पर कुछ खुला भी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है और ऑफिस वगैरह
सभी बंद है एक्चुअली में, तो वहाँ पे बाहर में कुछ भी खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के साथ साथ उसका टिफ़िन भी तैयार करके रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी आलू का सब्ज़ी और पूरी। तो आलू के सब्ज़ी के लिए मैं आलू को यहाँ पे कट कर ले रही हूँ पूरा छोटे छोटे टुकड़े में, और यहाँ पे मैं मैदा का डो भी बना ले रही हूँ क्योंकि मैं मैदा का पूरी बनाऊँगी, तो आलू का सब्ज़ी के साथ मैदा का पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है सुकेतु को, तो इसीलिए मैं सोची कि क्यों ना उसी का पसंद का ही कुछ बना दिया जाए ताकि वो टिफ़िन में भी आराम से खा पाए। तो इसीलिए यहाँ पे मैं मैदा का डो भी बना ले रही हूँ फटाफट। तो चलिए पहले मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सुकिंदु निकल गया है ऑफिस के लिए और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट लेके, और सुबह का जो भी मॉर्निंग का काम था, रूम ठीक करना और गर्म पानी वगैरह पीना, ये सारा काम हो चुका है उनके रहते रहते ही मैं कर ली थी। तो अभी वो 10 मिनट हुआ है वो निकले हैं, तो मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठ गई। वो ब्रेकफास्ट करके गए थे, उनको वही जो पूरी सब्जी बनाई थी वही वो खा लिए, उनका फेवरेट है तो बोल के वो खा के ही गए हैं, और टिफिन भी लेके गए हैं क्योंकि अभी कोविड टाइम पे अभी बाहर का मतलब ऐसे खाना भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने टिफ़िन पैक करके उनको दे दिया है, तो दोपहर में वो खा लेंगे। और मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, यहाँ पे मैं आलू को बटर में फ्राई की हूँ, फ्राई करके उसमें ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा चीज़ दिया है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ पर मैंने चीज़ सैंडविच लिया है अपने लिए, तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। और तो आज मैं जा रही हूँ मम्मी के घर और आज मैं रहूँगी, शायद कल भी रहूँगी, कल का कुछ बता नहीं सकती, शायद रहूँगी क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे रहने के लिए परमिशन मिलता है, जल्दी से सुकेंदु मुझे छोड़ता नहीं है रहने के लिए, एटलीस्ट मुझे नहीं छोड़ता है क्योंकि उसको बहुत दिक्कत होता है, अब एक साथ रहने के ना आदत हो जाता है, तो इसीलिए रात में अकेला रहना वो एकदम नहीं मांगता है, तो इसीलिए बहुत मुश्किल से मुझे रात को रुकने का परमिशन मिलता है। वो बोलता है कि तुम सुबह चले जाओ रात को आ जाओ, मैं रात को रुको नहीं, तो आज बहुत मुश्किल से बहुत बोलने के बाद मुझे रहने का परमिशन मिला है। तो रहते रहते ऐसा हो जाता ना कि फिर एक दूसरे के बगैर चलता भी नहीं है, मेरा भी वो कहीं रात को अगर रुकता है या पूरे दिन के लिए कहीं जाता है तो मेरा भी मन नहीं लगता है, और जैसे कि अभी वो वर्क फ्रॉम होम में है तो वैसे भी थोड़ा बहुत दिक्कत तो हो ही जाता है खाने वाने का और सब कुछ का, मेरा भी मतलब मैं भी अगर कहीं जाती हूँ तो मेरे भी दिमाग में ये घूमते रहता है कि नहीं मेरे पीछे से वो कैसे मैनेज करेगा सब कुछ, एक दिन का बोलने का बात रहता है कि एक दिन लोग मैनेज कर लेते हैं बट नहीं हो पाता है, फिर वो मेरे दिमाग में भी क्या खा रहा होगा कैसे खा रहा होगा, तो ये चीज़ सब कुछ दिमाग में घूमते रहता है कभी कभी, तो इसीलिए मैं भी बहुत जल्दी से रहने नहीं जाती हूँ, मम्मी पापा बहुत चिल्लाते हैं, बहन लोग भी बहुत बोलती है तुम रहने नहीं आती है, बट क्या करूँ मतलब जिम्मेदारी है तो उसे तो निभाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं जल्दी से नहीं रुकती, और वैसे भी ये तो मुझे हर सैटरडे या संडे होता है तो वीक में एक दिन तो वो मुझे लेके ही जाते हैं, तो इसीलिए और मम्मी लोगों का हरदम का शिकायत रहता है कि मैं जाती हूँ और चली आती हूँ रात को रुकती नहीं हूँ, तो इसीलिए बहुत बोलने के बाद मैं आज रात को रुक रही हूँ, कल का मुझे पता नहीं है, पता नहीं कल क्या होगा, मैं रात को रुकूंगी या घर आ जाऊँगी ये तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, बट जब जाती हूँ ना तो थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि मम्मी का वो ध्यान रखना, और सुबह बैठती मैं पीती नहीं हूँ पर जब मैं वहाँ जाती हूँ ना तो बैठती ज़रूर पीती हूँ क्योंकि मम्मी पापा और मैं बैठ के चाय पीते तो थोड़ा बहुत बातचीत भी होती है, शादी के पहले भी ये चीज़ होता था पर शादी के पहले चाय मैं बनाती थी मम्मी पापा के लिए और अपने लिए, तो हम लोग बैठ के जब चाय पीते थे सुबह मॉर्निंग का चाय पे बैठ के तीनों बातचीत करते थे, तो अब वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, वो चीज़ नहीं होता जब रहने के लिए जाती हूँ तभी हो पाता है ये चीज़, अब तो मम्मी चाय बना के लाती है और मैं बैठ के आराम से बातचीत करती हूँ और चाय पीती हूँ, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि आप जब
अपने मायके जाते हो तो ये जो पैम्परिंग मिलता है। और मेरा बात था कल जाने का, तो कल पापा बहुत कुछ खाने के लिए लेके आए थे, और अच्छा हुआ कि कल नहीं गए, क्योंकि आज सुकेंद्र को सुबह सुबह ही निकल जाना था। तो अगर वो निकल जाता है तो फिर पूछू का ध्यान रखना मुझे ही पड़ता है, क्योंकि वो रहने से मुझे कोई टेंशन नहीं था कि मैं आराम से निकल जा सकती थी। बट वो नहीं है तो इसका ख्याल एक जन को तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी तो छोटा बच्चा ही है, एक जन तो इसका ख्याल रखने के लिए चाहिए। देखिए अभी भी ये मेरे पास आके बैठा हुआ है, देखिए अभी भी ये मेरे पास बैठा हुआ है, तो एक पट उससे ज्यादा नहीं रह पाता है। तो देखते हो शाम को क्या होता है, जाने का प्रोग्राम होता भी है कि नहीं भी होता है, क्योंकि आज सुगेंदु वैक्सीन लेने गया है, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं रही तो जाना भी कैंसिल हो सकता है। तो जैसा भी होता है, तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर इसको छोड़ देती हूँ, जाओ। तो चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जस्ट सारा काम वगैरह करके आके बैठी हूँ, नहाना वहाना का काम, नहाना धोना करके, पूजा पाठ करके, उसके बाद खाना भी मैंने बना लिया है। मैं आलू पटल का सब्जी बनाई हूँ, वो तो आप लोग देखे ही मेरे पिछले ब्लॉग में कि मैं कैसे बनाई थी। तो आलू पटल का सब्जी बनाई हूँ और रोटी बनाऊंगी। तो और हस्बैंड भी ऑफिस से घर आ गए हैं, हस्बैंड ने आज वैक्सीन भी ले लिया है। तो अगर आप लोग भी किसी ने वैक्सीन नहीं लिया तो जल्दी से जाइए वैक्सीन ले लीजिए, मेरा भी बाकी है अभी, मैं भी फर्स्ट डोज अभी तक नहीं ली हूँ, मुझे भी लेना है। तो पहले आज ही दोनों प्लान किए थे कि दोनों ही ले लेंगे, बट मैंने कहा कि पहले आप ले लो, उसके बाद क्योंकि दोनों साथ में ले लेंगे, और अगर वैक्सीन के बाद कह रहे कि सबको बुखार आ रहा है, तो अगर दोनों ले लेते और दोनों बुखार में पड़ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, फिर करेगा कौन काम वगैरह। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले आप ले लो, उसके बाद मैं ले लूँगी। तो मैं अब कुछ दिन बाद लूँगी, क्योंकि मेरी सास का भी सेकेंड डोज बाकी है, तो मेरे साथ लेके जाएंगे सेकेंड डोज देने के लिए, तो उसी टाइम में मैं अपना फर्स्ट डोज ले लूँगी। तो चलिए, वैसे सारा काम वगैरह तो हो गया है और हस्बैंड आ गए हैं, वो वॉशरूम में है। तो देखती हूँ कि अभी क्या करना है, जाना है कि नहीं जाना है, अभी तो कुछ पता नहीं है। अगर उनका तबीयत वगैरह ठीक रहा तो फिर मैं जाऊँगी, और अगर नहीं रहा तो मैं नहीं जाऊँगी, तो फिर मैं नहीं जाऊँगी आज, फिर मैं कल ही जाऊँगी। तो देखती हूँ क्या प्लान होता है। और अभी मैं थोड़ा बहुत कपड़ा लेके बैठी हूँ, क्योंकि सारा काम सलट गया है, या खाना वाना भी सब बन गया है, घर वर भी मैं पूरा साफ़ सुथरा करके जा रही हूँ, सब कुछ करके ही, रेडी करके ही जा रही हूँ, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे आज आज का प्रॉब्लम है, कल तो वो वहीं जाएंगे, तो इसीलिए। और अभी थोड़ा बहुत कपड़ा लेके बैठी हूँ, वो सारे फोल्ड करके जगह पे रख देती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। तो चलिए पहले कपड़े वगैरह फोल्ड कर लेती हूँ, और जैसा भी प्लान होता है वो तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बताते रहूँगी मैं आप लोगों को। तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज नहीं जा पाई मम्मी के यहाँ, क्योंकि सुकिंदु वैक्सीन लेके आया है और उसके का थोड़ा सा वो लो फील कर रहा है एक्चुअली, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं उसे कोई बुखार वगैरह ना आ जाए, और इसी कारण मैं नहीं गई, क्योंकि अगर मैं रहूँगी तो मैं देख लूँगी, और ऊपर में भाभी और भैया लोग भी नहीं हैं, तो वैसे भी थोड़ा सा टेंशन रहता है कि उसे मैं एकदम से अकेला छोड़ के भी नहीं जा सकती। तो इसीलिए देखती हूँ, अगर कल अगर उसका तबीयत वगैरह ठीक रहा तो कल सुबह जाऊँगी, और अगर उसका बुखार वगैरह आ गया तो नहीं, कल भी नहीं जाऊँगी, बस बुखार ना आए और सब कुछ ठीक है, क्योंकि बस उसी के वही मुझे डर लग रहा है कि कहीं बुखार वगैरह ना आ जाए, और इसी वजह से मैं आज नहीं गई। मैं जानती हूँ मम्मी लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो के रखी है, पर मेरे लिए मेरे पास और कोई उपाय नहीं था, मैं इस तरह से उसको छोड़ के नहीं जा सकती। वैक्सीन लिया हुआ और कहीं बाई चांस उसे बुखार आ जाता है तो कोई उसका ध्यान रखने वाला नहीं रहेगा, और वो अकेला बेचारा क्या करेगा, कैसे खाएगा पिएगा। तो इसी यही सब सोच के मैं आज नहीं गई। अगर वो कल बेटर फील करता है और बुखार वगैरह नहीं आता है तो कल सुबह मॉर्निंग में ही मैं जाऊंगी। तो
चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ऑलरेडी ये वीडियो आज का बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, अभी मैं बैठ के एडिटिंग कर रही थी इस वीडियो को, तो 49 मिनट्स का ऑलरेडी ये वीडियो हो चुका है। तो अभी मैं मुझे पता नहीं मैं कहाँ से क्या क्या कट करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आज का वीडियो को एडिट में कैसे करूँगी। आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आप लोगों से फिर से कल। तो जाने से पहले आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को अच्छे से पता है, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर कुछ भी पूछना हो या सजेशन देना हो तो आप मुझे इंस्टा में भी मैसेज कर सकते हो, और मेरे इंस्टा की आईडी स्क्रीन में मेंशन की हुई रहेगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, और चाहो तो आप मुझे यहाँ भी कमेंट कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल में भी नए आए हो और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में छोटी सी बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो को अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए आज के लिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आप लोगों से फिर से कल। तो चलिए बाय बाय।